मैं आपके सामने आज पेश करूंगा, ईरानी शहद बड़ी क्वांटिटी में और क्वालिटी में कैसा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ईरानी शैम्पूज की अगर हम बात करें तो ईरानी शैम्पू में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल में बेहतर है। पहले बात कर लेते हैं ईरानी शहद की। तो इसमें सबसे पहली मालूम तो आप लोगों के लिए कि ईरानी शहद जो है वो जो पाकिस्तान में जो शहद हमें अवेलेबल हैं जैसे लैंगनीज है उनके मुकाबले में कीमत में ये इंतहाई सस्ता है, करीब उनकी आधी से भी कम कीमत में हमें ईरानी शहद मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एक तो ये इसका बड़ा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे मैं ईरानी शहद इस्तेमाल कर चुका हूँ, पहले मैंने जो ब्रांड इस्तेमाल किया था ये एक ब्रांड था, ये अगर आप देखें ये किश्तचिन कंपनी इनकी है, किश्तचिन कंपनी का ये मैंने शहद इस्तेमाल किया था, ये मैंने ख़त्म कर चुका हूँ इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये जो शहद है इस्तेमाल में मुझे थोड़ा सा मुतमईन यूँ नहीं कर पाया कि ये काफ़ी गाढ़ा था, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने दोबारा इसको मैं लेकर नहीं आया ये किश्तचिन को। लेकिन ये भी एक ब्रांड है वहाँ का, बहुत सारे प्रोडक्ट्स किश्तचिन की कंपनी की वहाँ पर आपको मिलती हैं, इसमें इनकी पनीर है और दूसरी क्रीम्स हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स इस कंपनी की आपको मिल रही हैं, लेकिन बाद मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मुझे जिस शहद ने जो अच्छा लगा, जो मुतासर किया, जो ईरानी शहद था वो ये शहद है, ये छत्ते वाला शहद, ये शहद है, इसका नाम है शहद कोई अरविंद करके कंपनी का नाम है, लेकिन बाहर इसकी बॉटल आप देख लीजिए, ये बॉटल है, इसमें ये छत्ता इसमें लगा हुआ होता है एक, और ये छत्ते वाला शहद कहलाता है। यानी इस शहद के अंदर अगर आप खोलते हैं तो इस शहद के अंदर आपको मक्खियों का छत्ता भी इसके अंदर मौजूद है, जिस छत्ते में मक्खियाँ अपना शहद बनाती हैं वो इस बॉटल के अंदर मौजूद होता है, इसलिए कहलाता है छत्ते वाला शहद। तो ये शहद मैंने इस्तेमाल किया, ये एक बॉटल ये जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ ये एक बॉटल की खाली हो चुकी है, मुझे लगा जैसे खालिस शहद के करीब तर ये शहद है छत्ते वाला शहद, और ये एक बॉटल मैं खा चुका हूँ। ये जो बॉटल मैं लेके आया दोबारा, ये बॉटल है 1000 ग्राम्स की, ये शहद है छत्ते वाला, तकरीबन 1000 ग्राम ये कहलाता है, लेकिन इसमें आई थिंक अराउंड 900 ग्राम इसके अंदर शहद मौजूद होता है, और ये जो मुझे मिला है ये शहद 900 ग्राम का 600 रुपये में मुझे मिला है, और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में है। यानी अगर आप इस बॉटल को अगर आप कंपेयर कर लें जो यहाँ पे शहद अवेलेबल हैं तो वो आपको जैसे ये छोटी बॉटल है आई थिंक ये तकरीबन 250 ग्राम की बॉटल है, इस साइज़ की बॉटल मैंने जो लैंगनीज की मैंने पता की शहद की, लैंगनीज का शहद जो है इसके मुकाबले में ये है 900 ग्राम 600 रुपये में, लैंगनीज शहद जो मैंने पता किया वो 250 ग्राम वो 900 रुपये में, जी लैंगनीज का 250 ग्राम शहद जो वो 900 रुपये के करीब इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, और ये 900 ग्राम 600 रुपये में मिल रहा है। तो ये बहुत निस्फ से भी कम कीमत में ये शहद अवेलेबल है, और ये शहद अच्छा है खाने में, इसमें मुझे कोई इस शहद में शिकायत मौजूद नहीं है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अगर खोल के दिखा पाऊँ ये इसका जो शहद है ये इसके अंदर इसके जो शहद है इसका छत्ता भी, इस शहद के अंदर छत्ता मौजूद होता है शहद का मक्खियों का, और ये खाने में बहुत अच्छा है ये शहद। आप जो है इस शहद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोजाना एक चम्मच, खुद ले सकते हैं, बच्चों का इस्तेमाल करवा सकते हैं इस शहद को आप, मैं तो इस्तेमाल करवाता हूँ उमन जैम की जगह, अगर आप जैम इस्तेमाल करते हैं जैम के मुकाबले में ये शहद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैम्स तो टोटली वो केमिकल्स उसके अंदर होते हैं, ये जी जैम तो टोटली इसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर बाहर वाली शहद है, ये अगर आप बच्चों को मक्खन के साथ शहद लगा के दे दें तो ज़्यादा बेहतर उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, सेहत के हवाले से ये शहद इस्तेमाल करना बहुत बेहतर है। तो ये शहद मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये छत्ते वाला शहद आप ज़रूर आप ले सकते हैं, और दूसरे शहद आप इस्तेमाल करना चाहें, ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ये भी अच्छा, लेकिन मुझे बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको डिसकंटिन्यू करके इस वाले शहद को मैंने इसको मैंने कंटिन्यू भी रखा है। ये मैं सेकंड टाइम इसकी बॉटल लेकर आ रहा हूँ, एक बॉटल मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, ये एक किलो की बॉटल कहलाती है, इसमें तकरीबन 900 ग्राम इसके अंदर शहद मौजूद होता है, और ये 600 रुपये में मुझे मिला है मार्केट में। 900 ग्राम का शहद इस वक्त मैंने जो पता किया है 1000 ग्राम का लैंगनीज का इसके बराबर का जो शहद है वो 3100 रुपये में, जी ये शहद है 600 रुपये में, इसी साइज़ का शहद जो है आपको लैंगनीज का मार्केट में 3100 रुपये में मिल रहा है।
आप इसका इसको आप कर लीजिए, इसका क्या कैलकुलेशन बनती है, वो 3100 में और ये 600 रुपये में शायद आपको मिल रहा है। शायद की क्वालिटी अच्छी है, वो 100 ग्राम ज़्यादा है, 100 ग्राम सिर्फ कम है, वो 3100 में और ये 600 रुपये में है, यानी उसकी आधी से भी आधी कीमत के अंदर शहद है और अच्छा तसल्लीबख्श इसका जो मयार है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ के शहद के मुकाबले में आपको ये शहद बेहतर पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम बात कर लेते हैं आज, वो है ईरानी शैम्पू कौन सा बेहतर है। दो शैम्पूज मैंने मेरे इस्तेमाल में रहे हैं, एक ये शैम्पू है, ये है ऑर्गेनिक शैम्पू है, ऑर्गेनिक शैम्पू ये कहलाता है, और ये है शैम्पू ग्लिसरिन हेयर केयर, कंपनी है मायामी कंपनी है, और ये बोतल है 800 ग्राम की, अच्छी खासी बड़ी बोतल है ये बड़ी बोतल है 800 ग्राम की, उसका शैम्पू अच्छा है, ये मैंने इस्तेमाल की है, इसकी आधी बोतल तकरीबन मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ इस बोतल की। शैम्पू अच्छा है, इस्तेमाल के लिए अच्छा है और क्वांटिटी में ज़्यादा है, और ये मुझे मिली 350 रुपये की बोतल 800 ग्राम की जी, 350 रुपये में ये मुझे 800 ग्राम की बोतल मिली है। मैं ये भी इस्तेमाल अक्सर करता रहता हूँ, ये जो हमारे लोकली जो अवेलेबल है मार्केट में, ये सनसिल्क के, ये सनसिल्क की बोतल है, ये इसकी आधी से भी कम बोतल है, ये आलमंड एंड हनी शैम्पू ये भी कहलाता है, और ये भी आलमंड एंड हनी ही है, और ये तकरीबन अगर आप देखें ये इसकी आधी बोतल, ये तकरीबन इसकी अगर आप थिकनेस भी देखें, इसकी मोटाई भी देखें, ये पतला है और ये मोटाई में भी ज़्यादा है, यानी तकरीबन आधी बोतल, तकरीबन ये इसकी आधी बोतल है, और ये मार्केट में इस वक्त 240 रुपये का ये है, 240 का ये, आई थिंक इसका मेरे ख्याल से इसमें कोई शायद 250 ग्राम तक होगा, इसमें 800 ग्राम है, और इस्तेमाल में अच्छा है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 350 रुपये में आपको 800 ग्राम की बड़ी बोतल मिल जाती है। तो शैम्पू के हवाले से और शहद के हवाले से आपके पास दो ऑप्शन हैं, जो मैंने जो मुझे दो ऑप्शन जो अच्छे लगे और जिनसे मैं मुतमईन हूँ, मैंने सोचा आप लोगों से भी उन दो चीज़ों को शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों के जहन में अगर सवालों के कौन सा शहद और कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना बेहतर है ईरानी प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो ये दो चीज़ें मैंने आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इस्तेमाल की हैं। इसी में एक और भी मायामी कंपनी का आता है ब्लैक शाइन के नाम से शैम्पू, वो भी अच्छा शैम्पू है, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मायामी कंपनी का ब्लैक शाइन। तो उम्मीद है कि दो चीज़ें आपके लिए आज जो हमने बयान कर दी हैं, आपके लिए शैम्पू और ये शहद, आपके लिए ये नॉलेज और ये इंफॉर्मेशन मुफीद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।